स्वागत करता हूँ अनकट स्टोरीज। जी हाँ दोस्तों, आपको खुद का चैनल है अनकट स्टोरीज। मित्र है मेरे, कोई भाई बंधु है, दूर से है, कोई जान पहचान वाले नहीं है, तो उनसे भी जान पहचान हो ही जाएगी वीडियो बनाते बनाते। तो अब आप सोच रहे हैं मैं गिलास पकड़ के क्यों खड़ा हूँ। पेपर गिलास है भाई, रूल्स को फॉलो जरूर करता हूँ, प्लास्टिक का गिलास यूज नहीं कर रहा, पेपर गिलास है। लेकिन हाँ, ये वीडियो गिलास से शुरू हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि शराब का मतलब जी नहीं दोस्तों। ये वीडियो है चाय के बारे में, चाय के एक ऐसे बगियान के बारे में हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो को शुरू करते हैं चाय की चुस्कियों के साथ। तो विनीत ने तो हमसे चाय के लिए नहीं पूछा। खैर कोई बात नहीं विनीत, हम आपसे बाद में निपटेंगे। लेकिन अगर आप भी विनीत और मेरी तरह टी लवर्स हैं, तो आज ना अनकट स्टोरीज पर हम आपको एक ऐसे सफर पे लेके जाने वाले हैं जो आप सभी टी लवर्स चाय प्रेमियों के लिए ही बनी है। मतलब जो कहते हैं ना, अगर कहीं जन्नत है तो चाय लवर्स के लिए वही एक जन्नत है। आज अनकट स्टोरीज पर हम आपको इस जन्नत का सफर करवाएंगे। लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आप उस जन्नत तक पहुंच सकेंगे। तो चलिए विनीत और मेरे साथ आज के सफर की शुरुआत करते हैं। देश में कश्मीर के अलावा और भी स्वर्ग मौजूद है। ईश्वर का अपना देश माने जाने वाले केरल की इदुक्की जिले में स्थित मुन्नार को देखकर आप भी यही कहेंगे। प्रकृति प्रेमियों के साथ साथ यह बाइकर्स और ट्रैकर्स के लिए स्वर्ग माना गया है। यदि आप रोमांचक खेलों के शौकीन हैं, तो मुन्नार आपकी यात्रा को बना सकता है यादगार। किसी कैनवस पर उतरी चित्रकारी की तरह है मुन्नार। मन को खुश कर देने वाली हरियाली, इधर उधर बलखाती नदियाँ, नीलगिरी की घुमावदार पहाड़ियाँ और घाटियाँ, ऊंचाई से गिरती झरने और ठंडा मौसम। तकरीबन 1700 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस हिल स्टेशन की घुमावदार गोल गोल पहाड़ियों पर एक ही ऊंचाई के चाय के पौधे ऐसे दिखते हैं जैसे कि किसी राजा के स्वागत में पूरे इलाके में हरे मखमली कालीन बिछा दिए गए हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था ना कि कोई जन्नत अगर टी लवर्स के लिए है तो वो मुन्नार में ही है। देखिए ना कैसे ये चाय बागान आपके स्वागत में रेड कार्पेट नहीं, ग्रीन कार्पेट बिछाकर आपका स्वागत कर रहे हैं। साथ ही ऊंची पहाड़ों और बादलों से अटखेलियां करते हुए आती सूरज की किरणें हरी भरी घाटियों के कुदरती रंगों को और भी मनमोहक बना देती है। यहाँ के जंगलों के पेड़ कई रंग लिए होते हैं, जिसमें हरे, लाल, भूरे, कत्थई रंग के इन पेड़ों से बने हुए दृश्यों के साथ आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि प्राकृतिक के विशाल कैनवस पर ये दृश्य चित्रकारी के कैसे दिलकश नजारे पेश करते होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि केरल सिर्फ और सिर्फ मसालों के लिए मशहूर है, तो ना मुन्नार जाकर आपका ये जो पूरा भ्रम है ना वो टूट जाएगा। आप जान सकेंगे कि असम दार्जिलिंग के साथ साथ मुन्नार में भी चाय के बगान हैं। इस जगह पर 10वीं शताब्दी में बसावट शुरू हुई थी। साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पर टाटा और तलियार की 30 से अधिक फैक्ट्री है, जिसमें आप टिकट लेकर चाय की खुशबू के बीच चाय बनते हुए देख सकते हैं। प्रोसेस्ड या CTC आम चाय है, जिसे हम घरों या होटलों में पीते हैं। इसमें पत्तों को तोड़कर मशीनों से मोड़ किया जाता है, फिर ड्रायर से सुखाकर इन्हें दानों का रूप दिया जाता है। यहाँ टाटा टी ने एक म्यूजियम भी बना रखा है। यहाँ चाय उगाने से लेकर उसे प्रोसेस करने की पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं। तो मतलब अगर आपको देखना है ना कि आपके घर में जो चाय बनती है, वो जो चाय की पत्तियां होती है वो कैसे बनती है, तो आप मुन्नार एक बार ना जरूर होकर आइए। ये स्वर्ग सिर्फ और सिर्फ टी लवर्स के लिए ही बना है। साथ ही ना आप उस म्यूजियम में पुरानी तस्वीरों के साथ एक वीडियो के जरिए चाय के इतिहास की पूरी जानकारी भी ले सकेंगे। यहाँ चाय बनाने की 100 साल से भी पुरानी मशीनें, टाइपराइटर, कैलकुलेटर, फोन और घड़ियां भी आपको वहां मिलेंगी। यहाँ एक आउटलेट भी है जहां से आप अपनी पसंद की चाय और मसाला उत्पाद भी खरीद सकते हैं। तो देर किस बात की है, अभी टिकट बुक कीजिए। टिकट बुक कीजिए मतलब ना चाय के लिए आप इतनी दूर तो सफर कर सकते हैं, दूर नहीं है, पास ही है,
क्या, टी लवर्स तो कहीं भी पहुंच जाते हैं ना। तो सिर्फ चाय के लिए ही मुन्नार नहीं जाना जाता, और भी ऐसी कई चीजें हैं जिसके लिए मुन्नार जाना जाता है। तो अगर आप एडवेंचरस एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो भी आप वहां पर जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप कैंपेनिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग जैसे कई तरह रोमांचक खेलों का आनंद ले सकते हैं। इसमें ट्री हाउस स्टे और माउंटेन बाइकिंग, बोटिंग भी आपको अवेलेबल मिलेगा, अगर आपकी जेब अनुमति दे। यानी कि अगर आपकी जेब में थोड़ा पैसा है ना, तो ये गतिविधियां फन फॉरेस्ट पार्क और ड्रीम लैंड जैसे विभिन्न प्राइवेट क्लबों द्वारा भी की जा सकती हैं। अब ना मैं आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ। अगर आप मुन्नार गए हैं तो इस जगह पर आप नहीं गए तो मतलब ना आपका ना पूरा सफर ना कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि फोटो के बिना कोई सफर कभी कंप्लीट हुआ है? मतलब हम जहाँ भी जाते हैं वीडियोस फोटोज जरूर क्लिक करते हैं, ऐसे ही मुन्नार में एक ऐसी जगह है जिसे फोटो शूट पॉइंट कहा जाता है। तो ये हुई ना काम की बात, तो इस काम की बात को सुनो ना, ये मुन्नार में कहाँ है। कितना अच्छा हो कि फोटो खिंचवाने के लिए आपको पहले से ही एक ऐसी जगह मिल जाए जहां से फोटो खूबसूरत आती हो। यदि आप ऐसी कल्पना कर रहे हैं तो मुन्नार आपकी इस मुराद को भी पूरा कर सकता है। यहां फोटो शूट पॉइंट भी बना है जहां चाय बगानों की बैकग्राउंड में लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं। यह अपने बैकग्राउंड के कारण बेहद खूबसूरत होती है। तो किस बात का वेट कर रहे हैं? मैंने तो आपको पूरी डिटेल्स बता दी हैं कि मुन्नार में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो वेट किस बात का है लॉकडाउन के खुलते ही? मैं ना हर वीडियो में लॉकडाउन की इसलिए बात करती हूँ क्योंकि ना अभी ये कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है, तो अभी तो कोई सफ़र से कम नहीं है। तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, अपने मूड को फ्रेश करने के लिए आप जगहें घूम सकते हैं। आज के लिए ये सफ़र हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही रोमांचक सफर पर आपको लेके जाएंगे विनीत और रुखसार के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ना हमें जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और देखते रहें अनकट स्टोरीज़।